वेलकम टू माई चैनल सुमे टैरोट कार्ड रीडिंग। इस वक्त की एनर्जीज डियर गाइस, आपके रिश्ते की क्या है, आपके रिलेशनशिप में इस वक्त क्या एनर्जीज है, आपके पार्टनर की इस वक्त की भावनाएं आपको लेकर क्या है। ठीक है, तो आज की टैरो कार्ड रीडिंग में मैं चेक करने वाली हूँ आप दोनों की ही एनर्जीज एक दूसरे के लिए, ट्रू एनर्जीज। ठीक है, क्या है उनके दिल में, ट्रूनेस क्या है आपके लिए, प्यार है, धोखा है, क्या है उनके दिल में, आपके दिल में उनके लिए क्या कुछ है, इस सारी ही चीज़ों को चेक करने वाली हूँ मैं टैरो कार्ड में। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर कर लीजिए और देखते हैं आज की एनर्जीज। ठीक है, जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, तो जिसके साथ मैच करे वो देखे और कितना मैच करे वो भी बताइए, क्योंकि सबकी रीडिंग एक साथ जनरल रीडिंग है ये। ठीक है, तो चलिए पॉजिटिव होकर इस रीडिंग को जरूर देखें ताकि पॉजिटिव एनर्जीज फील हो। ठीक है, वैसे भी मैं रीडिंग स्टार्ट करने से पहले, रीडिंग शुरू करने से पहले ही एवरीडे अपने सब्सक्राइबर्स के लिए दिल से प्रेयर करती हूँ कि उनकी लाइफ में सभी कुछ ठीक हो जाए। ठीक है, अपने सब्सक्राइबर्स, अपने व्यूवर्स सभी के लिए। तो देखते हैं क्या कुछ हो रहा है आपके रिश्ते में, और लेकिन मैं पहले आपको हीलिंग सेंड करूंगी, कुछ सेकंड की हीलिंग होगी। ठीक है, लेकिन आपकी एनर्जीज को कुछ सेकंड की हीलिंग आपके एनर्जीज को पॉजिटिव करेगी ताकि आप रीडिंग देखो तो आप पॉजिटिव रहो। ठीक है, नकारात्मक क्रियाओं से आप बचे रहो। तो कार्ड मैंने अच्छे से सफल कर लिए हैं। ठीक है, और मैं दो का इस कार्ड में से, इस डेक में से दो तरफ कर लेती हूँ। ठीक है, एक में आपकी एनर्जीज, आपके पर्सन की एनर्जीज यहाँ पर है, और ये आपकी एनर्जीज। ठीक है, ये है पार्टनर की एनर्जीज और ये है आपकी एनर्जीज। ठीक है, अब देखेंगे क्या कुछ हो रहा है। ठीक है, लेकिन उससे पहले हीलिंग सेंड करूँगी। सो डेली हीलिंग लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जब भी मैं रीडिंग करूँ आपको हीलिंग सेंड हो। तो चलिए अभी देखेंगे कि क्या है एनर्जीज। तो पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए और आपकी एनर्जीज पार्टनर के लिए क्या है। चलिए तो पहले पार्टनर की एनर्जीज को चेक करूंगी कि आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है। ठीक है, इस वक्त मैं रीडिंग करने जा रही हूँ। ठीक है, इस वक्त क्या है आपके पार्टनर की एनर्जीज। तो कार्ड को सफल कर लिया है और अच्छे से एक बार सफल कर लेती हूँ। ठीक है, रीडिंग आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, 9540119650 नंबर है। 1000 रुपए में कोई भी तीन क्वेश्चन आप अपनी पसंद से करके पूछ सकते हैं मुझसे, डिस्काउंट चल रहा है। तो यहाँ पर द टावर का कार्ड है, सिक्स ऑफ वैंड्स का कार्ड है, पार्टनर की एनर्जीज। क्या बात है भाई, आपके पार्टनर इतने उदास क्यों दिख रहे हैं, आपके पार्टनर उदास दिख रहे हैं। दूसरा द टावर की एनर्जीज है, इस वक्त काफी उतार चढ़ाव चल रहे हैं कि आपकी लाइफ में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स है, चीजें ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, वैंड्स दो बार आया हुआ है, टावर है और एक बार कप्स है। देखो लास्ट कार्ड में जो एनर्जीज आई हुई है, ठीक है, सेवन ऑफ वैंड्स, तो मैं आपको बोलूंगी कि अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखें, ठीक है, चारों ही कार्ड को ध्यान से, तो पार्टनर के एफर्ट्स दिख रहे हैं, लग रहा है कि हाँ वो कर रहे हैं इस रिश्ते को बचाने के लिए बहुत कुछ। ठीक है, सोच रहे हैं, कुछ दिमाग लगा रहे हैं कि कैसे ठीक करें चीज़ों को। ठीक है, लेकिन आई थिंक आपको उतना शेयर नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि इनके मन में, मस्तिष्क में आपके लिए प्यार है, तभी कुछ ऐसा है
जो इन्हें बार बार परेशान भी कर रहा है, क्योंकि खुलकर बोलना चाहते हैं आपसे, खुलकर बात करना चाहते हैं, खुलकर यहाँ पर आपके साथ रिश्ते को चाहते हैं, और ऐसा रिश्ता चाहते हैं आपके साथ, आपके पार्टनर। ठीक है, अभी सैड जरूर है पर मन में क्या चल रहा है ये बता रही हूँ मैं। अभी तो सैड आ रहे हैं यहाँ पर, लग रहा है रात में ठीक से सोते भी नहीं हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं ही आपके बारे में। ठीक है, बहुत ज़्यादा इनको ना बहुत तकलीफ हो रही है, अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। ये खुलकर आपके साथ जीना चाहते हैं, खुलकर खुलकर मतलब कोई रोका टोकी ना हो, सिर्फ आपका ध्यान रखें, आप इनका ध्यान रखो, एक दूसरे को लव केयर, ठीक है, प्रोटेक्ट करना, कोई भी नेगेटिव एनर्जीज नहीं हो। दूर जाने के बाद पास आने का मन करता है, जब पास आते हो तो लड़ने लगते हो, झगड़ने लगते हो, आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, या फिर कुछ नेगेटिव एनर्जीज आपको दूर कर देती हैं। ठीक है, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं उनकी भी, यहाँ पर मेरे को जो दिख रही हैं काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी हैं आपके रिलेशनशिप में, या तो उनकी तरफ से इस वक्त बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा बिहेवियर जो शायद आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होगा या पसंद नहीं आ रहा होगा, उनका रूडली बिहेवियर आपको सामने आ रहा होगा इस वक्त, बहुत ज़्यादा आ रहा होगा, कहीं कहीं तो बहुत ही ज़्यादा, लेकिन जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कहीं कम या ज़्यादा हो, तो वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो, लेकिन रूडली बिहेवियर बहुत है आपके पार्टनर का, बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं, सामने से इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, मन में प्यार है, मन में चाहत है, मन में फीलिंग्स हैं, मन में दिल में रखे हुए हैं बहुत सारी ऐसी बातें जो खुद आपके और उनके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। ठीक है, बैलेंसिंग एनर्जीज है, लग रहा है देखकर कि हाँ भाई ये कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे इनके और आपके बीच में चीज़ें ठीक हों, बैलेंस में आए, आप समझ रहे हो। लेकिन सैड क्यों है फिर इतना, जब भाई सोच लिया है, समझ लिया है तो करो ना एक्शन, सैड क्यों हो तुम? क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इन्हें परेशान कर रही हैं, कुछ रुकावटें आ रही हैं जिनको ये समझ रहे हैं, किसी का बर्डन है जिसको ये समझ रहे हैं, नहीं शेयर कर पा रहे हैं, और वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स इनको दिख रही है। मतलब साफ है कि आना तो चाहते हैं आपके पास, आपके लाइफ में, आपके रिश्ते में कंप्लीटली आना चाहते हैं, रिलेशनशिप चाहते हैं, दुखी इसलिए हैं, सैड इसलिए हैं क्योंकि दिल की बात नहीं समझा पा रहे हैं आपको, कुछ कुछ ऐसा है जो इन्हें रोक रहा है, चाहे परिवार का व्यक्ति हो, चाहे कुछ ऐसी जिम्मेदारियां हो इनके ऊपर, जो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा ऐसी जिम्मेदारियां हो, ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जिनको निभाना ही निभाना है इनको। ठीक है, और उसकी भी चिंता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो जिम्मेदारियां जो इनकी हैं किसी और के प्रति भी हो सकता है, हो फैमिली हो, परिवार के कुछ लोग हों, या किसी से कुछ कमिटमेंट दिया हो, किसी और को भी कुछ कमिटमेंट दे दिया हो, लाइक दैट बहुत सारी एनर्जीज हो सकती हैं ऐसी। ठीक है, वो चीज़ें शेयर नहीं कर पा रहे हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं। अच्छा, अगर आपकी बात की जाए तो आपसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं, और ये लीजिए चैरिट का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा चेंज देखने को मिलेगा इनके अंदर, आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको लव इसलिए करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कनेक्ट फील करते हो आप दोनों ही एक दूसरे से, क्योंकि अभी मैं सिर्फ बात पार्टनर की कर रही हूँ, अभी आपकी बात नहीं की है, लेकिन फिर भी मेरे को एक कनेक्शन सा फील हो रहा है इस वक्त, क्योंकि मैं जैसे पार्टनर को देख रही हूँ ना, तो पार्टनर मुझे बहुत सैड दिख रहे हैं आपके, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना आप, तो यहाँ पर सैड इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि जहाँ तक मैं देख रही हूँ, सैड किसके लिए होते हो भाई, हमारा कोई अपना होता है जब हम उससे बात नहीं कर पा रहे होते हैं, हमारा कोई ऐसा अपना हो रहा हो है जो हम जिससे चाहते हैं, जिसके साथ रहना, जिससे बोलना, जिसके साथ रिलेशनशिप, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रोक देती हैं, मना कर देती हैं आगे बढ़ने से, है ना, बढ़ना चाहते हैं लेकिन अपने तरीके से, अपनी चीज़ों को ठीक करके, बैलेंस में करके, तो बढ़ेंगे तो ये आगे आपके साथ, फ्यूचर में आएंगे भी, साथ भी देंगे, लेकिन कुछ ऐसा है जिसको ये सोच रहे हैं और आपका साथ निभाने को तैयार है, लेकिन प्लानिंग भी हो सकती है कुछ इनकी जो इस रिलेशनशिप के लिए, आपके रिश्ते के लिए करेंगे। ठीक है, आपका विश्वास तोड़ा है क्या आपके पार्टनर ने? इनकी एनर्जीज को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपका विश्वास तोड़ा है, और इस बात का दुख आपके पर्सन को हो रहा है इस वक्त। कुछ तो ऐसा है जिसका गिल्ट भी है, विश्वास भी तोड़ा है आपका,
और गिल्ट इस बात का हो रहा है क्योंकि इन्हें डर है कि इनका और आपका रिश्ता ना खत्म हो जाए। एक बात मैं और भी बोलूँगी, ईगो हो सकता है, डर हो सकता है, थर्ड पार्टी का बर्डन हो सकता है जिससे दिल की बात नहीं कह पा रहे हैं अपने। टाइम लगेगा इनको लेकिन कहेंगे जरूर। ये कार्ड देख रहे हो आप, इनके कुछ अपने हो सकते हैं जिनको ये समझ रहे हैं कि हाँ हमारे अपने कहने को अपने हैं लेकिन ये नहीं चाहते हमारे रिश्ते को, तो परेशान है ये, अपने ही लोगों से परेशान है। ठीक है, देख रहे हो कार्ड को, देखो एनर्जीज बहुत तेज आ रही है इस कार्ड में। सबसे पास एनर्जीज मेरे को दिख रही है और मेरे को एनर्जीज फील भी होती हैं, तो मेरे को बहुत ज़्यादा जब मैं ऐसी एनर्जीज देखती हूँ ना तो मेरे को बहुत ज़्यादा नकारात्मक क्रिया दिखती हैं, ऊर्जाएं दिखती हैं जो कि असहनीय होती हैं, बहुत ज़्यादा पेनफुल हो सकती हैं। ठीक है, मैं भी कई बार इस तरह की एनर्जीज को जब देखती हूँ तो मैं भी बहुत ज़्यादा सैड हो जाती हूँ। ठीक है, बट चीज़ें कंट्रोल में कर ले हो जाती हैं मेरी, तो खैर ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैं देख रही हूँ कि टेन ऑफ सोर्ड्स और टेन ऑफ सोर्ड्स दोनों ही हैं जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो टेन ऑफ सोर्ड्स का मैंने आपको बताया है कि कुछ अपने हैं, कुछ लोग ऐसे हैं अपने कहने को अपने हैं इनके, लेकिन बहुत ज़्यादा उनके लिए करना पड़ता है इनको, बहुत ज़्यादा उनकी चीज़ों को सहना पड़ता है, उनका बर्डन बहुत है इनके ऊपर, उनकी सारी चीज़ों को उन्हें समझना पड़ती हैं, और नहीं अगर समझते हैं ये तो काफ़ी ज़्यादा वो लोग इनको इमोशनल भी करते हैं, काफ़ी ज़्यादा इनको कहा सुनी भी होती है उनके साथ। तो ये सब चीज़ें दिख रही हैं। नाइन ऑफ सोर्ड्स है, नाइन ऑफ सोर्ड्स गिल्ट है किसी बात का, बहुत गिल्ट है, या तो आप किसी की वजह से, किसी तीसरे इंसान की वजह से आपका साथ छोड़ दिया या फिर आपके साथ मिसबिहेव किया, तो हो सकता है इस वजह से भी काफ़ी परेशान हो। तो ये चीज़ यहाँ पर इनकी दिख रही है। इनके जो मेरे को राशि दिख रही है, वो राशियाँ दिख रही हैं, वृश्चिक है, तुला है, कुंभ कन्या है और मेष है, लिब्रा, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लियो, कैंसर राशि दिख रही हैं, सैजिटेरियस ऑल्सो, काफ़ी राशियाँ दिख रही हैं। आई एम शॉकिंग, बहुत सारी राशियाँ दिख रही हैं। हो सकता है कि जनरल रीडिंग है और काफ़ी कनेक्ट हो रही हो आपके साथ, तो भी ऐसा हो जाता है कई बारी। और नंबर्स अगर दिख रहे हैं तो साइन, अगर कुछ भी नंबर या साइन दिख रहे हैं तो समझ लो कि वो इशारा है एंजल्स का, तो उस पर तो फोकस बहुत ज़रूरी है करना, तो करते हो आप लोग तो ज़्यादा अच्छा है। और कमेंट सेक्शन में नंबर ज़रूर लिखा करिए, 111 222, इसको जितने बार आप लिखोगे आप ये समझ लो कमेंट सेक्शन में उतना ही आपके रियूनियन होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि एनर्जीज आपकी उस तरफ कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, उस तरफ आपकी एनर्जीज रुकेगी, मतलब आपकी एनर्जीज किसी अच्छी जगह पर रुक रही है, इट मीन्स कुछ अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा 111 222, अपनी बात भी लिखिएगा, कितना रीडिंग रेजोनेट कर रही है वो भी लिखिएगा। ठीक है, चलिए पॉजिटिव रहना है बहुत ज़्यादा, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अब आपकी एनर्जीज को। ठीक है, तो चलिए आपकी खुद की एनर्जीज को चेक करेंगे। बड़ा बधा हुआ सा फील कर रहे हो आप, तो बड़ा ही बंधा हुआ सा फील कर रहे हो, हैंगमैन सिचुएशन में हो, समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। हो सकता है कि फैमिली की तरफ से बर्डन हो आपको, आपकी फैमिली आपका रिश्ता किसी और जगह करना चाहती हो, किसी जगह हो सकता है शादी करना चाहती हो, फैमिली की आपकी कुछ और चीज़ें हों जो कि आपको लग रहा हो कि भाई मुझे तो अपने ही पार्टनर से शादी करनी है, मुझे किसी और से शादी नहीं करनी है, बट फैमिली आपको हो सकता है कि बोल रही हो, या फिर कुछ सिचुएशन ऐसी है जिसमें आप स्टक हो गए हो। ठीक है, ना ही इस रिलेशनशिप में रुक पा रहे हो, ना ही बाहर आ पा रहे हो। एक्स्ट्रा मैरिटल, वन साइड, सिंगल मैरिड, लव रिलेशनशिप, थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई भी देख सकता है। थ्री ऑफ सोर्ड्स में भी हो गई आप, दिल तो आपका बहुत टूट रहा है, दिल को नहीं तोड़ना है, पॉजिटिव सोचना है तभी तो पॉजिटिव होगा लाइफ में। जब आप सोचोगे नेगेटिव तो कैसे पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव सोचोगे तभी तो पॉजिटिव होगा। भाई ये चीज़ क्यों नहीं आप समझ रहे हो, आपको अपने लाइफ में सब अच्छा करना है ना, आपकी लाइफ में सब अच्छा होगा और डेफिनेटली होगा। तो यहाँ पर थ्री ऑफ सोर्ड्स क्यों आ गया मेरे पास, तो इसका मतलब है आप पेनफुल एनर्जीज में हो, स्ट्रेस ले रहे हो, नहीं लेना है आपको स्ट्रेस। ठीक है, यहाँ पर बंधा हुआ सा फील आप कर रहे हो क्योंकि आपकी उम्मीदें इनसे बहुत ज़्यादा हैं, आपके पार्टनर से। ठीक है, और इनसे आपने बहुत उम्मीदें रखी थी अपनी लाइफ में, होप, जब आपका रिश्ता जुड़ा था या आप रिश्ते में आए थे तो आप ये सोच कर आए थे कि कहीं ना कहीं आपके दोनों के बीच में एक अच्छा फ्यूचर होगा, एक अच्छी कनेक्टिविटी होगी। ठीक है, बट आज
इतना ज्यादा चीजें डिस्टर्ब हो गई हैं आपकी कि आप समझ नहीं पा रहे हो कि मैं इस रिश्ते में जाऊं रुकूं या मैं बाहर चली जाऊं या चला जाऊं, है ना। तो इस एनर्जीज में स्टक हो चुके हो, हैंगमैन सिचुएशन। कई बार आपको लगता है कि छोड़ दो इस रिश्ते को, कुछ नहीं मिल रहा मुझे इस रिश्ते से, छोड़ दो, खत्म कर दो इस रिश्ते को, बिल्कुल मैं बात नहीं करूंगा अपने पार्टनर की, बिल्कुल भी बोलूंगी नहीं, पर्सन की तरफ फोकस ही नहीं करना, मुझे अपनी तरफ फोकस करना है, ये सोचते हो कई बार आप, ठीक है। बट कुछ टाइम के बाद आप दोबारा से अपने पर्सन के पास की एनर्जीज में आ जाते हो। पर्सन की एनर्जीज मतलब बार बार फिर आप उन्हीं के बारे में सोचने लगते हो, बार बार फिर आप अपना ध्यान उन्हीं की तरफ केंद्रित कर देते हो। ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप ये वाला कार्ड देख रहे हो ना, मैंने इसीलिए पार्टनर के कार्ड हटाए नहीं थे ताकि मैं आपको समझा सकूँ, बता सकूँ। आप ये कार्ड देखो, ये कार्ड ही है जो आपको आपके पर्सन को भूलने नहीं देता है, क्योंकि वो आपको इतना ज़्यादा मिस करते हैं, इतना ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं ना। तो 5 ऑफ कप्स है ना, तो कप्स इमोशनल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है इस वक्त, है ना। मिस करना, सोचना, आपके बारे में सोचना, तो वो कनेक्ट होती हैं, उड़ जाए, कनेक्ट होती हैं, उड़ जाए, ठीक है। तो चले, तो भाई यहाँ पर बंधा हुआ फील कर रहे हो, चाहना चाहते हो रिश्ते में, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। चलो, कई बार ये सोचते हो कि मैं अपने पर्सन को कई बार ऐसा सोचते हो कि मैं अपने पर्सन पर बोझ तो नहीं हूँ, कई बार आप ऐसा सोचते हो कि वो मेरे से परेशान तो नहीं है, कहीं मैं थर्ड पार्टी तो नहीं हूँ, कई बार आप ऐसा भी सोचते हो क्योंकि यहाँ पर कार्ड में दिख रहा है, ठीक है। तो वही यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल है, आपकी एनर्जीज को रीड कर रही हूँ। तो करियर को लेकर बड़ा इस वक्त स्ट्रेस है, करियर को लेकर भी, क्योंकि कुछ करना तो चाहते हो और अच्छा करना चाहते हो, लेकिन मैं देख रही हूँ कि करियर में इस वक्त फोकस नहीं कर पा रहे हो आप, ठीक है। तो करियर पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है, खुद की हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं अगर, तो हेल्थ पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। फाइनेंशियल, आपने अगर किसी को अपना मनी दे रखा है, ठीक है, दे रखा है किसी को, अगर आपने किसी को उधार दे रखा है, कहीं से मनी रुका हुआ है, ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं आपको बोलूंगी कि आपकी लाइफ, आपका वो जो पैसा रुका हुआ है फिर आपका आना है, वो आ जाएगा, ठीक है। किसी को दिया है कुछ ऐसा तो वो मिल जाएगा आपको वापस। हेल्थ का ध्यान रखना जरूरी है कि आपको हेल्थ इश्यूज मुझे दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा घबराहट होना, अकेलापन फील होना, स्ट्रेस में जाना, ये सब चीज़ें आपको हो रही होंगी इस वक्त, क्योंकि आपकी आपके कार्ड पड़ रही हूँ मैं। अच्छा, शादी को लेकर आपकी उम्मीदें जुड़ी हैं आपके पार्टनर से, लेकिन पार्टनर तो है कि कमिटमेंट तो कर दिया शादी का, लेकिन अभी तक उस कमिटमेंट को निभाने का वादा नहीं आया, बल्कि उल्टा ये और बोल रहे हैं कि मुझे शादी नहीं करनी। तो ऐसा अगर कंडीशन हो रही है तो मैं बोलूँगी कि आपको पॉजिटिव रहना है, चीज़ें आपके फेवर में आ रही हैं, पार्टनर की तरफ से प्लानिंग चल रही है कि वो कुछ ऐसा करेंगे कुछ, ताकि उनके और आपके बीच में सब कुछ ठीक हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर वेंट से उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है। दूसरा, आपको कोई अलग नहीं कर पाएगा, ये भी चीज़ मैं यहाँ पर दिख रही हूँ, क्योंकि आप ट्विन फ्लेम और सोलमेट एनर्जीज और डिवाइनली ब्लेस्ड हो। तो पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है, निगेटिव ज़्यादा नहीं होना है आपको, ठीक है, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जाएं और बढ़ती हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहना है। और आपकी लाइफ में लास्ट कार्ड इज एज ऑफ पेंटिकल्स, विनर आप हो, जीतोगे आप, ठीक है। मतलब अगर आप एफर्ट्स डाल रहे हो किसी भी चीज़ के लिए, चाहे रिश्ते के लिए डाल रहे हो, करियर के लिए डाल रहे हो, जीत आपकी होगी, ठीक है, एज ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। समय आपका ऐसा आएगा, वक्त आपका जो आ रहा है वो बहुत अच्छा समय आ रहा है, आपके लाइफ में चेंज लेकर आएगा, एक बड़ा चेंज लेकर आएगा, ठीक है, एक अच्छा चेंज आपके लाइफ में लेकर आएगा। और आप बॉटम ऑफ द कार्ड भी देखो तो टेम्परेंस का है, बॉटम ऑफ द कार्ड इच्छा की पूर्ति होना, ठीक है। सो यहाँ पर ये चीज़ मुझे दिख रही है। सो गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी इस वक्त की टैरो कार्ड रीडिंग, कितना कनेक्ट कर पा रहे हो आप मुझे जरूर बताइएगा। और डिस्काउंट चल रहा है, मैंने आपको बता दिया, नंबर्स भी जो है वो मैंने आपको बता दिए हैं, 9540119650। तो वही लास्ट कार्ड ले लेते हैं यहाँ पर, और लास्ट कार्ड क्या है यहाँ पर देख लेते हैं, द एम्प्रेस। वाह, दो बार एक ही कार्ड का आ रहा, मतलब साफ है कि एंजल जो है वो, देखो एंजल जो है ना वो ट्रूनेस को देखते हैं, मैंने कई बार आपको बोला इस चीज़ को, एंजल यूनिवर्स हमारे ईश्वर हमारी ट्रूनेस को देखते हैं, हमारी सच्चाई को देखते हैं, उन्हें कुछ नहीं दिखता, वो कुछ नहीं देखते, वो सिर्फ सच्चाई को देखते हैं कि तुम कितने सच्चे हो, तुम कितने ईमानदार हो,
जब आप ट्रू हैं, इतने ट्रू हैं आप, तो डेफिनेटली आपका साथ देगा ईश्वर, है ना। और अगर विश्वास है आपको अपने ईश्वर, अपने ईश्वर पर, तो डेफिनेटली चीज़ें आपके फेवर में होंगी, ठीक है। पार्टनर की एनर्जीज भी यहाँ पर बहुत अच्छे हैं आपके लिए आज की टैरो कार्ड रीडिंग में। सो गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया करिए ताकि मुझे पता चले, क्लियरिटी मिले। और सब्सक्राइब जरूर करा करिए, अगर आपको डेली हीलिंग लेनी है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।